नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। छत्तीसगढ़ में नई औद्योगिक नीति को लेकर मौजूदा सरकार के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति 2024 देश भर के लिए लाभदायी है। अनुसूचित जनजाति से लेकर प्रदेश के हर युवाओं को इस नई उद्योग नीति में काफी फायदा होने वाला है। उन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन के नेतृत्व में यह उद्योग नीति बनाई गई है। अधिकारियों ने नई उद्योग नीति को ओपन बनाने में काफी मेहनत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि शराब नीति भी तस्करी और अवैध बिक्री को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। आगे उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्होंने शराबबंदी की कसम खाई थी, उन्होंने शराब दुकानों में डबल काउंटर लगाकर उगाही का काम किया है। यदि वे इस नई लीकर नीति को गलत ठहरा रहे हैं तो उनको ये बोलना शोभा नहीं देता है। आगे उन्होंने नई औद्योगिक नीति को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति देश भर के विकास में एक नई भूमिका निभाएगी, साथ ही छत्तीसगढ़ के विकास में ये कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जब से राज्य में हमारी सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार ने चुनाव के समय छत्तीसगढ़ की जनता से वायदा किया था कि हम छत्तीसगढ़ को, बस्तर को नक्सल मुक्त करेंगे, और उस दिशा में केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर सुरक्षा बलों के माध्यम से बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में पूरी ताकत से जुटी हुई है। और हमारी सरकार एक तरफ सुरक्षा बल के जवान मोर्चे पर डटे हुए हैं, लगातार सुदूर क्षेत्रों में जाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं, सर्च ऑपरेशन के माध्यम से। वहीं दूसरी ओर बस्तर ओलंपिक जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ने का और विकास के साथ जोड़ने का, उनकी प्रतिभा को निखारने का भी काम हमारी सरकार कर रही है, तो निश्चित रूप से इसका आने वाले समय में सुखद परिणाम मिलेगा। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने 60 सालों के सरकार में गरीबी हटाओ का नारा दिया और गरीबों को लूटने का काम किया, गरीबों के हित के लिए कोई काम नहीं किया, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, गरीब गांव के लोगों का शोषण लगातार होता रहा, और आज कांग्रेस के नेता इस प्रकार से बात करते हैं, उन्हें इस तरह की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। वास्तव में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद गांव, गरीब और किसान की तरक्की और बेहतरी के लिए योजना बनाकर काम हो रहा है, लोगों के जीवन को सुलभ और आसान बनाने का काम लगातार हो रहा है। यदि उन्हें दिखता नहीं है ये काम, तो ये उनको मुबारक हो। ये कांग्रेस पार्टी के नेता अपने 5 साल के काम को क्यों भूल गए इतना जल्दी? सैकड़ों करोड़ रुपए का शराब घोटाला किया, छत्तीसगढ़ की जनता को शराबबंदी का वादा करके धोखा दिया, घर घर शराब बेचने का काम किया, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में कोचियों के माध्यम से शराब बेचा, और शराब दुकानों में डबल काउंटर लगाकर छत्तीसगढ़ के राजस्व को लूटने का काम किया। उस कांग्रेस को इस तरह के निराधार और बेबुनियाद आरोप लगाने का कोई हक नहीं है। हमारी सरकार शराब की अवैध बिक्री, शराब की तस्करी, इन सब पर रोक लगाने के लिए ठोस और मजबूती से काम कर रही है, और तो इनके पेट में आज दर्द हो रहा है। अवैध शराब, शराब की तस्करी
और सार्वजनिक स्थानों पर शराब की बिक्री और सेवन पर रोक लगाने के लिए ये निर्णय लिए जा रहे हैं। और जब भी जनहित का काम होता है, राज्य के हित का काम होता है, हमेशा कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। देखिए, जब भी विकास होता है, वर्षों तक रेलवे की दुर्दशा थी, आप सबने देखा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद रेलवे का जिस तरह से विकास हो रहा है, यात्री सुविधाओं में जिस प्रकार से विस्तार हुआ है, आज एयरपोर्ट की तरह हमारे रेलवे स्टेशन दिखते हैं। और आज जब तेज गति से विकास के काम रेलवे में हो रहा है, दोहरीकरण का काम, तिहरीकरण का काम, जिन स्थानों पर रेल नहीं पहुंचे हैं वहां रेल पहुंचाने का काम, और जब तेज गति से विकास के काम होते हैं तो थोड़े अवरोध करने पड़ते हैं, थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है, पर यह तकलीफ आने वाले समय की सुविधाओं के लिए है और ये तात्कालिक रूप से है, थोड़े दिनों के लिए है। ये सब ठीक हो जाएगा और विश्व स्तर की रेल सुविधाएं भारत के रेल यात्रियों को, क्षेत्र के रेल यात्रियों को मिलेगी। एक लंबी कवायद के बाद उद्योग जगत सहित सभी स्टेक होल्डर से चर्चा करके राज्य की वर्तमान परिस्थिति पर पूरी तरह से विचार करके नई औद्योगिक विकास नीति 2024-30 छत्तीसगढ़ सरकार ने विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, हमारे उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन जी के मार्गदर्शन में बनाया है। हमारे अधिकारियों ने खूब मेहनत की है, उद्योगपति उद्योग जगत से भी सलाह लिया है और एक बहुत अच्छी औद्योगिक नीति कि हमारा उद्योगों का विकास केवल कुछ एक एरिया तक सीमित न रहे। छत्तीसगढ़ के नौजवानों को, अनुसूचित जाति जनजाति के नौजवानों को भी उद्योग लगाने के अवसर बने, रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाला बने और छत्तीसगढ़ के विकास में योगदान करें, संपूर्ण छत्तीसगढ़ का औद्योगिकीकरण हो, ऐसे बहुत बृहद और व्यापक हमारी नई औद्योगिक नीति बनी है। विकसित भारत की संकल्पना प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। विकसित भारत में छत्तीसगढ़ की भी प्रभावी भूमिका हो, विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण हो, इस दृष्टि से ये हमारी नई उद्योग नीति हमने बनाया है, हम ही सवारेंगे, इस ध्येय वाक्य को लेकर आगे बढ़ेगा और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में ये हमारी नई उद्योग नीति बहुत प्रभावी भूमिका का निर्वहन करेगी। संगठन में चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के हिसाब से सदस्यता करती है, सक्रिय सदस्यता करती है, फिर बूथ इकाई से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का विधिवत रूप से चुनाव होता है। बूथ समिति के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। बूथ समिति के चुनाव के बाद मंडल समिति, फिर मंडल समिति के बाद जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय समितियों का चुनाव होगा। जिस भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने शराब घोटाले के कारण बदनामी झेली, क्रिमिनल सिंडिकेट बनाकर जिस प्रकार से क्राइम किया, अवैध कमाई की और कितने लोग जेल में है उस पर, ये भूलने की जरूरत नहीं है कि आपने क्या किया और किस तरह से छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा, शिक्षा व्यवस्था की कैसी आपने दुर्दशा की, स्वास्थ्य व्यवस्था की कैसी आपने दुर्दशा की,
राज्य की अर्थव्यवस्था कैसे आपने चौपट की, इसे भी आपको छत्तीसगढ़ की जनता को बताना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता आपके किसी बहकावे और भ्रम में आने वाली नहीं है। ये छत्तीसगढ़ विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के हित में ठोस और मजबूत कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। विकसित छत्तीसगढ़ की योजना को लेकर काम कर रही है। थैंक यू, थैंक यू। अरोई बस्तर में भगवान बिरसा मुंडा जन्म दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में वन मंत्री केदार कश्यप शामिल हुए। इस दौरान वन मंत्री ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा न केवल जनजाति समुदाय के लोगों के नायक थे बल्कि पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इस कार्यक्रम में सभी समाज के लोग शामिल हुए और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए आसपास के गांव के लोगों ने भी कार्यक्रम को सफल बनाया। ये क्या है, 10 नवंबर 2021 को घोषणा हुई भारत सरकार के द्वारा और 10-21 से और लगातार जो है भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती जो है ना हर स्तर पर मनाया जा रहा है। छोटे छोटे स्तर पर भी, ग्रामीण क्षेत्रों में भी मनाते हैं और ये सरकारी स्तर पर ये जो कार्यक्रम है यहाँ हो रहा है और समाज के तरफ से जो है वो कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है। निश्चित रूप से जो है ना हमारे महापुरुषों की जो जयंती है उसको मनाना चाहिए क्योंकि हमारा जो गौरवशाली जो इतिहास रहा है इतने आजादी के पहले और आजादी के बाद उसको कहीं ना कहीं कमजोर किया गया है। उसको बनाए रखने के उद्देश्य से जो है ना गौरवशाली दिवस जैसे बहुत सारे जो हमारे क्रांतिवीर थे, क्रांतिकारी थे, उन सब लोगों की जयंती मनाकर हमारे इतिहास पुरुषों की जानकारी सार्वजनिक होना चाहिए, इतिहास में उनका नाम दर्ज होना चाहिए ताकि जो है उनकी प्रेरणा से जो है ना जल जंगल जमीन की जो रक्षा जिस प्रकार संघर्ष करके उन्होंने बचाया उसकी रक्षा हो सके। बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के अवसर पर पूरा देश जनजाति गौरव दिवस मना रहा है और हम सबके लिए हर्ष का विषय है, सौभाग्य का विषय है कि हम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज पूरे देश को लगभग 6,600 करोड़ के राशि हमारे पूरे देश के जनजाति समुदाय को समर्पित किया है जिसमें ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है और संग्रहालय है और छात्रावास है और अनेकों ऐसे कार्य जिसके माध्यम से जनजाति समुदाय का समुचित तरीके से विकास हो सके और हमारे आदिवासी समुदाय के ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर किया है उसको जनजाति गौरव दिवस के माध्यम से उस एक भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती पर प्रतिवर्ष 15 नवंबर को मनाया जा रहा है और इस बार क्योंकि 150वीं जयंती है तो ये साल भर चलेगा और छत्तीसगढ़ में माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने, केंद्रीय हमारे खेल मंत्री आदरणीय श्री मनसुख मांडविया जी ने वहाँ पर जसपुर में 13 तारीख को इस कार्यक्रम की शुरुआत की। कल राजधानी रायपुर में अलग अलग प्रदेशों के लगभग 28 प्रदेशों के डेलीगेट्स वहाँ पर आए और नृत्य संगीत अपनी संस्कृति के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ को अपनी ओर आकर्षित किया और आज उस वहाँ पर भी उस कार्यक्रम का समापन है। तो इस तरीके से ये लगातार जनजाति गौरव दिवस अभी अनवरत रूप से चलता रहेगा और लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें ये हमारी कोशिश है। 18 को प्राधिकरण की बैठक है बस्तर, देखिए बस्तर विकास प्राधिकरण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था पिछले 5 वर्षों में उसकी अवहेलना की गई और पिछले 5 वर्षों में एक भी कार्य ऐसा नहीं है जो बस्तर विकास प्राधिकरण के माध्यम से
किया गया हो, हमारे आदिवासी समुदाय के लिए जो विकास की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने इस प्राधिकरण को बनाया था, लेकिन पिछली बार पिछली सरकार में भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था, लेकिन ये विष्णुदेव साई जी की सरकार है। अब प्राधिकरण कोई भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं, बल्कि हमारे बस्तरवासियों के विकास के लिए इस पर गाते हैं। और भानुप्रतापपुर विकासखंड के फरसकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का लोकार्पण किया। इस दौरान भानुप्रताप में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भारी अव्यवस्था देखी गई। आपको बता दें, बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया। इस मौके पर कांकेर सांसद भोजराज नाग अव्यवस्थाओं को लेकर नाराज हुए। सांसद ने बेमन से फीता काटा और उनके बैठने के स्थान पर उनके लिए पानी की व्यवस्था थी ना ही, और ना ही बच्चों के लिए कोई व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, इस वर्चुअल कार्यक्रम की जानकारी प्रशासन ने पत्रकारों को दी, जनप्रतिनिधि और पार्टी कार्यकर्ताओं सहित ग्रामीणों को भी नहीं दी। व्यवस्था तो ऐसे व्यवस्था बदहाल था, और हम लोग के हिसाब से हम भी इतना बड़ा मंत्री जी का जो सौगात दिए हैं यहाँ प्रधानमंत्री जी आवासीय एकलव्य विद्यालय, जिसमें आसपास के क्षेत्रों के जो भी आदिवासी बच्चे उनको अच्छा शिक्षा मिले, ऐसा इस उद्देश्य से हम यहाँ पे आज उनका उद्घाटन है वर्चुअल बोल के आए थे। लेकिन देखे तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, ना चाय की व्यवस्था नहीं, ना किसी को नाश्ता के लिए कोई व्यवस्था नहीं, ना किसी को पूछ नहीं रहे। छोटे छोटे गांव के बच्चे भी आए हैं, वो भी भूखे हैं। इस प्रकार के आधा अधूरा व्यवस्था है। सांसद अभी ये बोले कि मूलभूत सुविधा की मैंने यहाँ पे व्यवस्थित नहीं है, और आप लोग यहाँ का उद्घाटन वगैरह कर रहे हैं, बिजली का व्यवस्था नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। मैं जिस टेबल पे बैठा था वहाँ पे एक बाटल पानी नहीं रखा गया है, तो ऐसे हालत में आप लोग उद्घाटन वगैरह कर। और शराब के मामले को लेकर लगातार राजनीति हो गई है। बीजेपी सरकार के द्वारा नई उद्योग नीति लाई गई थी, आपको बताते चले कि जिसमें शराब को लेकर सरकार के द्वारा एक बड़ा कदम उठाया गया था, जिसमें सरकार ने एक ऐप लॉन्च करके शराब प्रेमियों के लिए मनपसंद शराब देने का ऑप्शन रखा था। इसे लेकर कांग्रेस पार्टी काफी आक्रामक नजर आ रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नई उद्योग नीति का विरोध किया। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ उन्होंने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से शराब को लेकर पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से सरकार अपनी योजनाओं को पूर्ति के लिए, और सरकार के पास पैसा है ही नहीं, और दारू का रेट शराब का रेट बढ़ाकर उनका ऐप लॉन्च कर इस तरह से जनता को लूटने का काम कर रही है। आखिर सरकार हर योजनाओं का लॉन्च केंद्र के बड़े नेता या प्रधानमंत्री से लॉन्च कराते हैं क्या? ये शराब का ऐप भी प्रधानमंत्री से लॉन्च कराएंगे क्या? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, सरकार से, पहला चीज। दूसरा, और क्या मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए क्या शराब का ऐप बनाकर क्या ये भी शराब पिलाने का छत्तीसगढ़ की जनता को गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर पांटेला में हर होटल ढाबों में रेस्टोरेंट में क्या ये भी शराब पिलाने की गारंटी है क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की? मैं ये भी पूछना चाहता हूं। आखिर मैंने कहा कि शिक्षा पे ऐप नहीं है, स्वास्थ्य पे ऐप नहीं है, जो छत्तीसगढ़ की आम जनता के लिए सबसे जरूरी शिक्षा और स्वास्थ्य है, इन पे कोई ऐप आता नहीं है, लेकिन सरकार शराब पिलाने का ऐप जारी करती है। क्या ये भी मोदी की गारंटी है क्या? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। ये लगातार भाजपा ये कह रही है कि आप लोग शराबबंदी को लेकर ही सरकार पे आए थे,
ये हमारे ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? पिछले 15 साल की सरकार में जहां ठेकेदारी प्रथा चलता था और अपनी खजाने भरने के लिए इस सरकार ने उसको सरकारीकरण किया, पिछले 15 साल में सरकारीकरण हुआ है, और उसके बाद कि पिछले 15 साल की सरकार में शराबबंदी कहते थे, बोलते थे लगातार, और शराबबंदी के लिए कई अध्ययन दल कई राज्यों में भ्रमण भी किए, क्योंकि उस समय हम लोग विधायक थे छत्तीसगढ़ विधानसभा के, हम लोगों ने कई सवाल भी पूछे। 15 साल से शराबबंदी की बात करने वाले अब शराब पिलाने की गारंटी अब दे रहे हैं, मैं तो पूछ रहा हूं ना, क्या ये भी मोदी की गारंटी में शामिल है क्या? एक संतरी से लेकर प्रधानमंत्री तक शराब को लेकर भाषण देते रहे पूरे चुनाव के दौरान। तो इस तरह के झूठ बोलकर सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से पूरे छत्तीसगढ़ को शराब में डूबना चाह रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसका विरोध करेगी कांग्रेस पार्टी और निश्चित रूप से इस शराब का एप को पुरजोर कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। सर, ये अभी कल भगवान बताया रामलीला में राम जी ने मोदी जी को आदिवासियों का, अब वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जितना गाली देगी मोदी जी को, कांग्रेस का अस्तित्व उतना ही खत्म होगा। तारीख पुरुष सर भगवान बता रहे हैं, कांग्रेस के अस्तित्व मिटाने वाले तो खुद भी मिट जाएंगे। और रही बात मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के भगवान हो सकते हैं, आदिवासियों के भगवान नहीं हो सकते, इसलिए क्योंकि हमारी भगवान हमारे देवी देवता है, हमारी जिसको आदिवासियों को संस्कृति पूजा हमारी देवी देवता और हमारा भगवान बूढ़ा देव है। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बूढ़ा देव से भी सुपर भगवान मानते हैं क्या मोदी जी को? मैं पूछना चाहता हूं ये लोग से, क्या भगवान महादेव से भी बड़े हैं क्या मोदी जी? तो इस तरह से आदिवासियों को भगवान बोलकर भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरे आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इससे आदिवासी समाज से माफी मांगना चाहिए। ये कांकेर में नक्सली और जवानों की मुठभेड़ हुई है, 4 नक्सली मार गिराए, कैसे देख रहे हैं लगातार बीजेपी कह रही कि नक्सलवाद खत्म करेंगे? देखिए, मुझे तो आपके माध्यम से पता चला है, अगर असली अगर एनकाउंटर हुआ है, ओरिजिनल नक्सली अगर मारे गए हैं, तो निश्चित रूप से जवानों को बताएंगे। संगठन चुनाव की ओर बीजेपी बढ़ रहे हैं लगातार, उपचुनाव में के बाद अब संगठन चुनाव में फोकस है और अलग अलग समिति का गठन भी किया जा रहा है, देख रहे हैं क्या कुछ है? क्या चीज के समिति गठन किया? संगठन पुनर्विचार समिति और चुनाव के लिए समिति, अधिकारी समिति का गठन हुआ है और अब आगे बढ़ रहे हैं लोग बीजेपी में। संगठन चुनाव होना है उसको, उसके लिए समिति बनाई गई है। अब देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में आपसी नेताओं के बीच में तालमेल नहीं है, गुटबाजी ज्यादा है। और रायपुर पुलिस द्वारा नशे की रोकथाम को लेकर रन निजात अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर के विधानसभा थाना अंतर्गत ग्राम पिरदा के एक फार्म हाउस में हुक्का पिलाए जाने की सूचना पर रायपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं फार्म हाउस में इस तरह की अवैधानिक गतिविधि चलने को लेकर रायपुर पुलिस आगे की जांच में लगी है। थाना विधानसभा अंतर्गत जो पीड़ा है वहाँ पे 10-15 फार्म हाउस है, जिसमें लगातार कई दिनों से हुक्का के संबंध में सूचना मिल रही थी कि अवैध रूप से वहाँ पे हुक्का पिलाने का काम कर रहे हैं। इसके संबंध में पहले भी वहाँ पर रेड किए थे और तो एक फार्म हाउस में 15-20 हुक्का मिला था, लेकिन वहाँ पर जो पीने और पिलाने वाले हैं जिन्होंने भर गए थे तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाया था कौन कौन से। इसी सूचना पर फिर परसों रात मिली थी, जिसमें आदरणीय आईजी सर, आदरणीय एसएसपी सर के जो दिशा निर्देश मार्गदर्शन में कार्रवाई किया गया, जिसमें सीएसपी विधानसभा, सीएसपी अटल नगर और जितने भी जो टीम है उनके साथ जा करके जो यहाँ पे सूचना मिली थी उस जगह पर रेड करने पर 7-8 लोग वहाँ पे हुक्का पीते हुए मिले थे और जिनको पकड़ करके थाना विधिवत लाया गया और जो तम्बाकू कोटपा अधिनियम है उसके तहत जो पीने वाले के खिलाफ और जो पिलाने वाले के खिलाफ जो पृथक से FIR करके कार्रवाई की गई है और इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई करके जो मौके पर से 8 हुक्का जो पीते हुए मिले थे उनको जब्त किए गए हैं
अभी ही समाप्त उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सर क्या शराब वगैरह भी परोसा जा रहा था उस जगह में? मौके पर इस घटना के दौरान रेड के दौरान शराब वो नहीं मिला है, और लेकिन आसपास में कई जगह सूचना मिली है जिसको आने वाले समय में फिर से कार्रवाई रेड की कार्रवाई जहाँ पर सूचना मिली है वहाँ पर करेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।